अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू, आचार्य कुकराणी जी, मौलाना आजाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, संचिता कपाणी जी, हंसा मेहता, एल डी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी आयंगर, जॉन मथाई, अनगिनत ऐसे महापुरुष जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान देकर के हमें महान विरासत हमारे हाथों में समर्पित की। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी महान विभूतियों को स्मरण करता हूँ और उनका आदर पूर्वक नमन करता हूँ। आज अपने बात की शुरुआत में आप सभी बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 संविधान अंगीकार करने के पहले भी आजाद था और हमारे यहाँ अनेक रिपब्लिक भी थे और उन्होंने आगे बढ़ देखा देखे, लेकिन अपनी ही गलत को हमने अतीत में आजादी ऐसे में बाबा साहब ने देश को चेताते हुए पूछा था कि हमें आजादी भी मिल गई, गणतंत्र भी हो गए, लेकिन क्या हम इसको बनाए रख सकते हैं? क्या अतीत से हम सबक ले सकते हैं? आज अगर बाबा साहब होते तो उनसे अधिक प्रसन्नता चाहे तो किसी को